स्टैंड 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 राधा गोपी नाथ को जन जो की राधा दामोदर का शाम शहर से सुनो शहर से भी
श्री राधा गोविंद श्रीमद महाप्रभु श्री जगन्नाथ तुलसी परिक्रमा की जय। परमारक्षकं श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्तिविज्ञान महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय। श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्ति देव भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् देव गुरी गोस्वामी महाराज की जय। श्री नाथ रे सेवा विग्रह प्रभु की जय। प्रदेश तिरुवाति महामस की जय। श्री मतदेव गुरी गोस्वामी महाराज राय भागवती की जय। नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सबद्व नितलिया प्रविष्टम विष्णु पाद श्रोतश श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोपाल की जय। समस्त रूपानु गुरुवर की जय। सपर्क श्री गौर हरि की जय। श्री राधा गोविंद गौड़ी मठ की जय। श्री रुद्रनाथ गौड़ी मठ की जय। श्री गौड़ी ब्रह्मांड एसोसिएशन की जय। श्री विनोद बिहारी गौड़ी मठ की जय। अन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। भुवन मंगल कार्य हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। समस्त रंडी पारगण की जय। समस्त मठवासी भक्त वृंद की जय। समस्त आमवासी वैष्णव वृंद की जय। जिताय गौर प्रेमानंदे हरे अज्ञान्ति निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावनातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशयं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारेणुरधरसुधया पूरयान् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्कीर्तकीर्ति भजामि राधामरवेन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम न्यास्ति गतेन कापि भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपायै त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीविंदा देवी की जय। वृंदाय कुलकृतिभ्याय कृष्ण भक्ति अच्छा उधर आउटसोर्स करो ना। निकाल दो।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गुरु स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत में श्री लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मित्र लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज इनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। प्रभुपाद नंदनंद पार्षद मित्र लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोदशत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज एवं जिनका तिरुभाव तिथि है वे भी श्री प्रभुपाद के बड़े ही अंतरंग जनते बड़े प्रिय श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अष्टसत्सिन को भी दंडवत प्रणाम। सपरिकर श्री प्रभुपाद जय श्रीमद राधा गोविंद देव श्रीमद महाप्रभु एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एक बात कहा करते थे, ईश्वरेर जन्म तिथि जय हनो पवित्र सही मत वैष्णवेर तिथिर चरित्र। राधाष्टमी जन्माष्टमी नरसिंह त्रयोदशी श्री नित्यानंद त्रयोदशी इत्यादि तिथि जिस प्रकार उन तिथियों का पालन करना चाहिए जिस प्रकार ये तिथियां गुरुत्व धारण करती हैं उसी प्रकार उनके भक्तों की भगवान के भक्तों की तिथि वैष्णवों की आविर्भाव और तिरुभाव तिथि वो भी उतना ही गुरुत्व धारण करती है। इसीलिए यथा सामर्थ्य होने पर उनको पालन करना चाहिए। अगर हमें उनके बारे में कुछ ज्ञान हो तो उनके हरिकथा के माध्यम से उनकी महिमा श्रवण करनी चाहिए या फिर अगर कुछ उनके बारे में विशेष जानकारी ना होने पर सिर्फ जय ध्वनि देने से भी वे वैष्णव कृपा करते हैं क्योंकि हम लोग कौन है साधक हैं, हम लोग साधन कर रहे हैं और हमारे साधक जैसे कीर्तन गाते हैं ना कृपा करी मोरे दिया चितबल, तो इस साधक मार्ग पर चलने के लिए हमको चितबल की आवश्यकता है और ये तिथि उपस्थित होकर हमको यदि हम इनको विशेष रूप में पालन करें तो ये तिथियां हमको वही चितबल प्रदान करती है जिससे हम हमारी भगवत आराधना के पद पर गतिमान गतिशील होते हैं। तो आज ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के एक अंतरंग जन श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। आज ही के दिन उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। इनको देखो टाइटल जो मिला हुआ है वो ही है क्या सेवा विग्रह। ये साक्षात सेवा के विग्रह स्वरूप है। साक्षात मठ के अंदर जितनी भी सारी सेवा थी इन महापुरुष को छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी सेवा ये महापुरुष किया करते थे और विशेष करके गौड़ीय वेदांत समिति के साथ में इनका अंतरंग संबंध था। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य मठ प्रभुपाद द्वारा स्थापित श्री चैतन्य मठ में जब विभाजन हुआ उसके बाद में श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ में इनका घनिष्ठ संबंध होने के कारण ये उनके साथ में ही रहे। बाद में जब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना करी उनके अंदर भी इनका एक विशेष योगदान था। आप लोग जब देवानंद गौड़ीय मठ नवद्वीप कौन कौन गए हैं नवद्वीप में जब एंटर करोगे ना तो वहां पे जो द्वार बना हुआ है उसका नाम क्या है नरहरि तोरण। वो द्वार का नाम ही नरहरि तोरण। ये श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ में इनकी इतनी ज्यादा प्रीति थी क्योंकि मठवासियों का कर्तव्य क्या है उनका कर्तव्य क्या है सेवा। ठाकुर सेवा ही एकमात्र उनका विशिष्ट कर्तव्य है। तो मानो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वे भी साधारण नहीं थे वे भी बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने अपने मठ की हर एक वस्तु को इतना सुख इतना अच्छे अच्छे टाइटल देकर उन्होंने बताया था जो द्वार है अर्थात मठ में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसको क्या बनना पड़ेगा सेवा विग्रह बनना पड़ेगा। उसका द्वार का नाम रखा नरहरि तोरण जहां पर पैखाना था जहां पर शौच इत्यादि जाते हैं उस स्थान का क्या नाम रखा ज्ञान खंड। जैसे ज्ञान इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होती है मुक्ति को क्या बताया वो विष्टा स्वरूप है इसीलिए उसको विष्टा क्या ज्ञान खंड उसका नाम रखा। इस प्रकार के दार्शनिक थे वो और इनकी इतनी प्रीति थी नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के साथ में उन्होंने अपने वो जो एंट्रेंस का ही नाम रखा नरहरि तोरण। बताते थे जैसे अतः कृष्ण श्री अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख है जीवादो कि अगर किसी की इंद्रिया सेवोन्मुख है अगर कोई निरंतर कृष्ण सेवा के लिए ही काय मन वाक्य से चेष्टा कर सकता है तो वो ही जीवन मुक्त है। शास्त्रों में इस प्रकार जीवन मुक्त की परिभाषा बताई गई है। ये महापुरुष वैसे ही जीवन मुक्त थे। मठ के अंदर छोटी से छोटी सेवा लेकर बड़ी से बड़ी सेवा ये महापुरुष करते थे। और सेवा देखो किसी साधक को अगर कोई मठवासी सेवा कर रहा है या कोई भी अगर सेवा कर रहा है तो सेवा का उद्देश्य क्या होना चाहिए क्योंकि हमारी सेवा से अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो इससे ज्यादा और बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती थी। इन महापुरुष की प्रत्येक सेवा का लक्ष्य होता था प्रभुपाद की प्रसन्नता। इन्होंने मठ की सब सेवा करके क्या किया प्रभुपाद के हृदय को भी जीत लिया था। प्रभुपाद के अनेक अनेक शिष्य थे लेकिन उन सब लेकिन ये इनको बहुत ज्यादा प्रिय थे नरहरि सेवा विग्रह उनको बड़े प्रिय थे क्योंकि इनको सामने ना देखकर ही प्रभुपाद बड़े विचलित हो जाते थे। एक क्षण भी जब इनको अपने सामने नहीं देखते क्योंकि गुरु के हृदय को ही जिसने जीत लिया तो उनकी और क्या महिमा हो सकती है।
अपनी सेवा से ये कैसे कैसे सेवा करते हैं, प्रभुपाद के वस्त्र धोना, उनके पात्र इत्यादि साफ कर देना, गाय जो गाय भैंसे होती थी मटकी जिनके दूध से ठाकुर जी की सेवा होती थी ये उनकी भी सेवा करते थे। और ये जब चैतन्य मठ में रहते थे तो इनके ऊपर ही प्रभुपाद सारा दायित्व छोड़ के मठ का दायित्व छोड़ के और निश्चिंत प्रचार पे चल जाते थे। हाँ, क्योंकि पीछे से कोई देखने वाला होना चाहिए। प्रभुपाद जब प्रचार के लिए बाहर निकलते थे उनको ये आश्वासन रहता था कि नरहरि प्रभु अगर मठ में है तो मठ में कोई असुविधा नहीं होगी। सारा सेवा का दायित्व इनके ऊपर छोड़कर निश्चिंत होकर प्रभुपाद, क्योंकि चैतन्य मठ उन्होंने जो स्थापित किया वह प्रभुपाद का प्राण स्वरूप है, प्रभुपाद का प्राण ही था चैतन्य मठ जो उन्होंने पहले स्थापित किया। अब उसका दायित्व अगर किसी पर दे रहे हैं तो उनके ऊपर कितना प्रभुपाद को विश्वास होगा, उसके ऊपर कितना विश्वास होगा। तो ये नरहरि सेवा विग्रह प्रभु ऐसे ही सेवा की मूर्तिमान स्वरूप थे। पूरे दिन भर जब शुरू शुरू जब चैतन्य मठ स्थापित हुआ था तब काफी बच्चे भी वहां रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, तो ये चैतन्य मठ की माँ स्वरूप थे, इनको माँ बोला जाता था। जैसे मैया बच्चों को स्नान कराना, उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना सब चीजें करती है, उसी प्रकार ये सारे ब्रह्मचारियों की इस ऐसी सेवा करते थे। कोई सेवा जैसे, क्योंकि जैसे हम समझ रहे हैं कि गुरु सेवा का, किसी भी सेवा कर रहे हैं उसका उद्देश्य गुरुदेव की प्रसन्नता ही होती है, तो इनके लिए हर सेवा सर्वोत्कृष्ट थी। ये सारी सेवा का ऐसे मानते थे जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश देकर कर किया है, ऐसे ये इसलिए इनको प्रभुपाद ने टाइटल ही क्या दिया था, सेवा विग्रह। लेकिन साधारण लोग की धारणा क्या होती है, जैसे हम अगर हम हमारी बात करें तो हम लोग किसी वैष्णव को कैसे पहचानते हैं, यदि कोई हरिकथा बोलने में बड़ा सुंदर हो, बोलने की शैली बड़ी अच्छी हो, श्लोक बड़े गा गा कर बड़े अच्छे से उच्चारण कर देता है, बोले ये बड़ा अच्छा वैष्णव है, बाहर जैसे बहुत कुछ अच्छा दिखा रहा हो लेकिन अंदर क्या भरा है कोई तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि अप्राकृत वस्तु ना ही प्राकृत गोचर, हम लोग बद्ध जीव है। और हम लोग वैष्णव क्या है, वैष्णव चिन्हित नारी देवेर शक्ति, कि देवताओं का भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो वैष्णव को पहचान सके। लेकिन साधारण जगत के लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से वैष्णव को पहचानते हैं। तो ये यद्यपि देखने में इतने पंडित नहीं थे, कभी ऐसा भी सुना नहीं गया कि इन्होंने श्लोक को बड़े अच्छे से व्याख्या करी हो या कुछ हो, लेकिन इन्होंने अपनी सेवा के माध्यम से ही प्रभुपाद का हृदय जीत लिया, प्रभुपाद का हृदय जीत लिया। जैसे हम श्रील महाराज जी के विषय में श्रवण करते हैं ना, किस प्रकार इन्होंने अनंग मोहन ब्रह्मचारी की सेवा करी, अनंग मोहन ब्रह्मचारी को जब टीबी हुआ था तो श्रील महाराज जी ने अपने प्राण की चिंता ना करते हुए उनकी सेवा करी और उससे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का हृदय जीत लिया। ऐसे ही ये महापुरुष श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, इन्होंने प्रभुपाद का हृदय जीत लिया था, इसलिए सब समय प्रभुपाद उनको अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। पूरे दिन भर जब ये सेवा में व्यस्त रहते थे तो जब इनको हरिनाम करने का समय नहीं मिलता था, हरिनाम पता है कैसे करते थे, रात में जब सारी सेवा समाप्त हो जाती थी रात में अपनी शिखा को कहीं खूंटी पर बांध लेते थे, और उसके बाद क्योंकि हरिनाम करते पूरे दिन भर सोए नहीं, अक्लांत परिश्रम किया है, नींद आएगी तो नींद आने पर जब झपकी आएगी ये शिखा खूंटी पर बंधी हुई है तो वो खींचेगी तो नींद उठ जाएगी, ऐसे करके वो हरिनाम करते थे रात भर, हरिनाम और पूरे दिन भर सेवा। कभी इनको आहार निद्रा इत्यादि चीजों में व्यस्त रहते हुए कभी देखा ही नहीं, ऐसा इनका जीवन चरित्र था। और इनकी गुरुनिष्ठा भी शिक्षा लेने वाली है, इनकी गुरुनिष्ठा से ही, क्योंकि जैसे हम लोग श्रवण करेंगे ना प्रभुपाद का इन्होंने हृदय जीत लिया, तो अगर किसी की गुरुनिष्ठा ना हो तो वो ये चीज नहीं कर सकता। इसलिए आज इनका शुभ तिरुभाव तिथि है, इनके विषय इनकी तो अनेक कथा है किंतु बद्ध जी की योग्यता हमारी अयोग्यता है इसलिए हम इनको गुणगान नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जो मैंने सुना था उसी को आपके सामने बताने की कोशिश करी। इनके जीवन से हम जो इनकी अक्लांत सेवा परिश्रम इन्होंने किया है, अगर हमारे जीवन में हम ऐसे सेवोन्मुख हो सके यही इनसे प्रार्थना करते हैं, गुरुवर्ग से यही प्रार्थना करते हैं। और हमारी सेवा का एकमात्र उद्देश्य गुरुदेव की प्रसन्नता हो, कपटता सब त्याग करके कभी हम ये इनके जैसा आचरण कर पाए, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी जिन महापुरुष की कथा सुने हैं इनका नाम श्री नरहरि सेवा विग्रह, मतलब इतने मंदिर का सेवा, ठाकुर की सेवा, ब्रह्मचारियों की सेवा। मंदिर में जब कोई नई नई ब्रह्मचारी आते थे बंगाल में, बहुत मच्छर वहाँ पर ज्यादा पेड़, आप लोग गए ना बंगाल में, कौन कौन गए नवदीप परिक्रमा, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधा देखा, घास भूसा, वहाँ पर बहुत मच्छर है, रात में वहाँ मच्छरदानी लगाए बगैर सो नहीं सकते हैं। अब गए ना जोर जो गए होंगे मच्छरदानी के बगैर वहाँ सुनना कठिन है। मच्छरदानी से जब कोई नए नए ब्रह्मचारी आते थे, जैसे कि माँ बच्चे जब सो जाते हैं जाकर मैया क्या करती है, देखती हैं बच्चा ठीक से सोया कि नहीं सोया, क्या कर रहा है कैसे, ये ऐसे ही जब ब्रह्मचारी सो जाते थे जा जा करके छोटे छोटे घर से छोड़ करके आए, घर छोड़ कर मंदिर में आए
इसलिए अभी तो पिता माता को छोड़ कर मंदिर में आए, इसलिए घर घर में जाकर देखते थे ब्रह्मचर्य लोग ठीक ठाक सो रहे कि नहीं, मच्छरदानी इनका लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, ये सब चीज को देखते थे। हैं बड़ी सेवा करते थे ब्रह्मचारियों को गुरु जी की, ये बड़ी सेवा करते थे। इसलिए जो जितने सेवा करोगे ना ठाकुर जी को कहते ना सेवा के बगैर कोई व्यवहार नहीं मिलती है। इसलिए जो जितने निष्कपट होकर के ठाकुर जी की सेवा करोगे हृदय में, ये जो ब्रह्म ज्ञान हृदय में, जो भक्ति तत्व ज्ञान, ये अपने आप हृदय में स्पूर्ण होता है अपने आप। ठाकुर ये सब चीज को ठाकुर देने वाले, अगर कोई सोचे केवल नहीं शास्त्र पढ़ पढ़ कर रट रट करके सब ये कर देंगे, होगा उसमें भी होता है, लेकिन जब तक सेवन मुखी वृत्ति नहीं होगा वो केवल जैसे ना जैसे रट्टा हुआ जैसे विद्या हो जाएगा। लेकिन जब अनुभूति संपन्न होगी तभी जब हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। इसी जगत में भी देखना कहते वस्य कुर्वन्ति मां भक्त्या सत पत्नी सत पति में जता, भगवान खुद कहते जैसे एक पतिव्रता नारी पति का मन को कैसे जीत लेती है, दिन भर पति को सेवा करती है, दिन भर पति को सेवा करती है, इसलिए पति का मन को जीत लेती है। देखना पति सारे काम करता है 24 घंटा काम करेगा, लेकिन जब महीना की जो तनख्वाह वा पैसा आएगा किसको हाथ में देता है, किसका हाथ, औरत का हाथ देता है, आप लोग हाथ में आता है कि नहीं आता है। इसलिए सबके सब पैसा अपना पत्नी को, अपनी पत्नी लक्ष्मी स्वर्गिनी होती है, इसलिए पत्नी को हाथ में दे देती है, जानती है ये पैसा को सही सही व्यवहार किए सही सही रूप में करेगा। अगर पति अगर 100 रुपया मांगे ना पत्नी पत्नी से 1000 रुपया देना पड़ेगा, पत्नी बोले इतना पैसा दिया कर लिए काम, बल्कि इतना की जरूरत है कम पैसा में हो जाएगा, 100 रुपया मांगे ना 50 रुपया, लेकिन किसी लेकिन पैसा कमाया उन्हें नहीं, पैसा तो कमाया उन्हें नहीं, लेकिन जब पत्नी को हाथ में देती ना पत्नी सहज में नहीं देती, क्यों, पति को विश्वास है पत्नी के ऊपर, विकार ने किया वो घर का सारे सेवा काम वही घर का सारे काम करती, तभी तो उसके ऊपर विश्वास है ना कि पैसा को सही व्यवहार में ये लगाएगी। इसलिए कहते केवल सेवा को द्वारा ही भगवान कहते भक्त मेरे को संपूर्ण रूप में मेरे को वशीभूत कर देता है, मेरे को उठाती है और वही भक्त लोग मेरे बैठाते हैं। इसलिए ये प्रभुवाद की ये अंतरंग सेवक, प्रभुवाद की वैष्णव की भक्त भगवान सभी को उन्होंने कायम वाक्य में सेवा किया है। इसलिए शिक्षा देते हैं अगर हृदय में भक्ति लाना चाहते हो क्या करो, पहले भगवान की सेवा करो, सेवा के द्वारा ही हृदय परिष्कार होगा, हृदय में अपने आप सारे ज्ञान अपने आप देखोगे, क्योंकि ये जो ज्ञान है भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, हम अपने आप ये ज्ञान को रट सकते हैं, लेकिन जो अनुभूति केवल भगवान के आशीर्वाद से सही जाने जा रहे देहो जानाई, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं। इसलिए इनका नाम सेवा विग्रह मतलब सेवा की ये मूर्ति मूर्तिमान ये स्वरूप है। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियाय नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय बुद्धदे श्रीमते भक्ति गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमुच्चये कृष्णशक्ति स्वरूपाय विभक्ति प्रदाय नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशिवोद्भवानंद बल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र के सभी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरण पंकज में प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा वांछ करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पद्म मित्रिका प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र के सभी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मित्रिका प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र के सभी श्रीमद् भक्ति के रूप में सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण साष्टांग नमन प्रणाम करके उनके अहेतु की कृपा वांछ करता हूँ। तत्पश्चात आज जिनका शुभ आविर्भाव किए श्री प्रभुपाद पार्षद लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद भक्ति वैष्णव श्री
गुरु गोस्वामी महाराज के चरण में बर्तन लेकर प्रणाम प्रसन्न करके विष्णु पावन से करता हूँ। आज जिनका स्वरूप मेरा तिथि की लोग नाती थे नित्य लीला प्रविष्ट श्री नरहरि सेवा के चरण में प्रणाम प्रसन्न करके विष्णु पावन से करता हूँ। सपरिकर गोपा सपरिकर गोदित्यान तकर सपरिकर जगत के सजाना को भी सुनिए तक प्रणाम प्रसन्न करना उपस्थित सतीर्थ गुरु ग्रंथ वृंद वैष्णव वैष्णव वृंद के चरणों में प्रणाम तो किस प्रकार हमारे बोल सुंदर लोगों ने नरहरि सेवा विग्रह ठाकुर जो प्रभुपाद के पार्षद थे और हमारे गुरु जी महाराज बता रहे थे कि सेवा के पूरा विग्रह स्वरूप सेवा के जो मूर्तिमान स्वरूप है इसलिए उनको वो टाइटल दिया गया नरहरि सेवा विग्रह ठाकुर। तो आज जिनका उनका शुभ विरह तिथि है और आज जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है विग्रह प्रतिष्ठा किया 2018 में। मंदिर तो बन चुका था लेकिन महाराज जी का विग्रह नहीं था तो मठ में विग्रह प्रतिष्ठा किया। तो उसी सभा में हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोधन महाराज भक्तिवेदांत प्रभु वहाँ पे गए थे। 7 दिन के भगवत कथा हुआ था उस जगह पर 2016 का ही 16। तो इसमें बता रहे कि जब विग्रह प्रतिष्ठा हो गया और भगवत कथा शुरू होने लगा तब वहाँ पे हमारे पूज्यपाद बोधन महाराज जी माइक पकड़ाते हैं पूज्यपाद पर्वत महाराज जी को और बोलते हैं कि आप कुछ महाराज जी के बारे में बताओ। तो वहाँ पे महाराज जी एक बात बस बोलते हैं कि जिस प्रकार से हमारा गुरुदेव और आपका गुरुदेव का संबंध था क्या बोले जिस प्रकार से हमारे गुरुदेव था श्रीमद् भक्तिवेदांत पुरी गोस्वामी महाराज जी का संबंध आपके गुरुदेव पूज्यपाद हमारे भी गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी संबंध था वो मैं इस छोटे जीवन में कैसे बोल सकूं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ केशव जी गोड़ामठ में जब भी छुलन का उत्सव होता था तो गुरुदेव बोलते थे हमारे पूज्यपाद नित्य गोस्वामी महाराज जी को माधव गोस्वामी महाराज जी को बोलते थे कि जाओ महाराज जी को पहले बुला के लेके आओ जब तक महाराज जी नहीं आएंगे हम झूलन उत्सव नहीं करेंगे। तो महाराज जी जब नहीं आते तो खुद गुरुदेव जाते हैं बार बार बुलाते हैं। तो जब महाराज जी आते हैं तो गुरुदेव ने पूरा फूल माला देते हुए पूरा प्रणाम करते हुए उनको आदर पूर्वक ले आते हैं और आप आगे तो अभी हमारा झूलन साफल्य होगा मतलब झूलन का जो उत्सव अभी मानो शुरू हो गया आप कृपा करके आओ। तो इस प्रकार जो महाराज जी जितने भी हमारे गुरुदेव और इनके भी जो भी संबंध था वो संबंध में देखा गया है कि गुरुदेव इतना प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जी को देख के। और तो वहां पे बता रहे हैं पूज्यपाद पर्वत महाराज कि हो ना हो आप यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो आप यहाँ पे आए हो हमारे गुरुदेव के विग्रह प्रतिष्ठा पे इसीलिए मैं जरूर हूँ पक्का हूँ इस कार्य में भक्तिवान नारायण गोस्वामी महाराज जरूर खुश हूँ। ये उनके गाने बोले कि जरूर भक्तिवंत नारायण गोस्वामी महाराज जरूर खुश होंगे। क्यों खुश होंगे कि आप उनके एक शिष्य हमारे यहाँ पे महाराज जी के विग्रह प्रतिष्ठा के उत्सव में आए हैं तो किस प्रकार का उनका अवदान है। तो ये भी हम यहाँ पे निश्चित रूप में उसी बात को अगर थोड़ा उपजीत कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारे गुरुदेव गुरु जी के सान्निध्य में हमारे गुरुदेव यहाँ पे है तो आज जिनका हम शुभ आविर्भाव तिथि पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप में वो तो प्रसन्न होंगे और उसके अनुरूप हमारे गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न होंगे। ये वैष्णव का वाणी है हमारे गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो देखो ये जो महाराज जी जो उनके बारे में कुछ थोड़ा बात नहीं पुष्पांजलि उनके चरण में अर्पण करूंगा तो बोलते हैं कि वैष्णव है गुणगान करिए चिवेटना सुनिए ऐसे साधु गुरु मुखे। वैष्णव का जो गुणगान है हम अभी किस चीज के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए आज की तिथि कुछ नहीं होने पर भी सबसे विशेष है जिस प्रकार हमारे गौर सुंदर प्रभु ने बोला कि ईश्वर तिथि से भी वैष्णव का तिथि बड़े पवित्र है बड़े पवित्र माना जाता है। तो इसमें ये जो वैष्णव का हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इनके जीवन में एक चीज देखा जाता है कि जो प्रभुपाद ने जिस वाणी को बताया कि कर्ण का कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी आज जा रहे श्रेष्ठ वैष्णव कि किस प्रकार इनको कनक कामिनी प्रतिष्ठा और बागनी चार चीज कैसे छोड़ दे एक एक करके दृष्टि देंगे तो इनको कैसे एक समय ये जब मठ में आने वाले थे तो उससे पहले ये बहुत बड़े आयुर्वेदिक का डॉक्टर थे कविराजी थे।
तो वहाँ पे ब्रह्मपुर पे बोलते हैं हमारे उड़ीसा में इनके ही सुबह आविर्भाव हुआ। तो ब्रह्मपुर में ये जब इनका आविर्भाव हुआ तो उनको बचपन से ही जो ट्रीटमेंट जो चिकित्सक में बहुत इनको आनंद लगता था, रुचि लगता था। तो महाराज जी बोलते हैं कि मैं जब आया मठ में तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोले, क्योंकि महाराज जी वहाँ ब्रह्मपुर के एक जो फेमस जो आयुर्वेदिक चिकित्सक मधुसूदन शर्मा, उनसे इन्होंने कबीराजी विद्या सीखा, तो उस समय का टॉप थे वो। तो जो भी हो गया, उनका नाम था नृसिंह पटनायक, उनका जो पहला पूर्वाश्रम नाम था नृसिंह पटनायक। तो जो भी किसी को कुछ बीमार होता था सब लोग बोलते हैं कि उनके पास चले जाते। तो महाराज जी बोलते हैं कि जिस समय मैं मठ में आया तो मुझे बहुत सारे लोग बोले कि आप तो इतने बड़े कविराज हो, आप इतने बड़े चिकित्सक हो, आपको तो समाज सेवा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मैं बस जिस दिन प्रभुपाद को देखा और प्रभुपाद के मुखारविंद से एक वाणी सुना कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम सब अनादि काल से क्या कर रहे हैं, माया में भ्रमित होके सारे के सारे जड़ विद्या को अध्ययन कर रहे हैं और सारे के सारे जड़ विद्या वो गधा है, गधा लोग उसको प्राप्त करते हैं, बुरा मत माना, ये महाराज जी का खुद का वाणी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी प्रकार से उन्होंने उसी दिन के ही वैराग्य, उसी दिन ही उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बाद बोला जाता है कि बहुत सारा पैसा लेके, जैसे हमारे गोल गोविंद स्वयं के जीवन चरित्र में आता है उसी प्रकार का, तो उनको बहुत सारे पैसा लेके उनके परिवार संबंधित लोग उनके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि आप ये सब पैसा रख लो, ये मठ मंदिर में क्या रहना है। तो वो पूरा द्वार बंद करके एक दिन तक द्वार खोले ही नहीं, चैतन्य मठ में एक दिन तक द्वार खोले ही नहीं। फिर बाद में उनके जो गुरु है लोग बोलते हैं कि आप क्यों द्वार नहीं खोले, कि देखो मेरे पास कैसे माया पीछे आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो किस प्रकार धन भी उनको छोड़ दिया। अब देखो प्रतिष्ठा की बात करते हैं, ये बात हमने वैष्णव के मुख से श्रवण किया है, इनका प्रतिष्ठा का एक उदाहरण। पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज से इनका साक्ष्य अभाव था। तो पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज मजाक किया करते थे। तो महाराज जी जैसे नृसिंगा, उनका दीक्षा नाम है नृसिंगानंद ब्रह्मचारी, पहले नृसिंग पटनायक था, फिर बाद में प्रभुपाद के आश्रित हुए, फिर उनको नाम परिवर्तन करके नृसिंगानंद दास ब्रह्मचारी नाम रख दिया गया। जैसे नृसिंगानंद नाम है वैसे नृसिंहदेव पितरा है। कुछ भी इधर उधर देखते हैं, कुछ भी इधर उधर देखते हैं तो पूरा जैसे नृसिंहदेव जिस प्रकार का हिरण्यकश्यप को मार दिया, प्रहलाद महाराज जी को किस प्रकार का आदर प्रदान किया, उसी प्रकार भक्त के सामने वो किस प्रकार दीनता से दीनता और जो भक्ति का विपरीत दीन है उससे किस प्रकार का उग्र रूप दिखाते थे। तो एक समय की बात है कि ये कभी भी इनको पूछा जाता था कि आपके सुबह आविर्भाव तिथि कब है, तो कभी भी किसी को बोलते नहीं। तो भक्ति जीवन इनके सब शिष्य लोग बोलने लगे, पूछे पास भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी महाराज किशोर प्रभु, तो इन्होंने भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी से संन्यास लिया था। तो उन्होंने बोले कि महाराज जी आप पूछो गुरु महाराज जी से उनका आविर्भाव तिथि कब है, इतना दिन हो गया हमको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि महाराज जी हमको बोलते नहीं और हम पूछने जाते हैं तो महाराज जी डंडा लेके भागते हैं, हम तो पूछ नहीं सकते हैं। तो अभी इन्होंने भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी से जाके पूछा कि महाराज जी आपके आविर्भाव तिथि कब है, हंसी मजाक में बहुत देर बहुत दिन तक पूछने के बाद भी महाराज जी बताए नहीं, फिर बाद में कैसे करके प्रकाश कर दिया कि मेरा आविर्भाव तिथि माघ के महीने में पंचमी तिथि पे आज के दिन तिथि है, तो ऐसा तिथि बोल दिया। अब ये सोच रहे हैं कि महाराज जी का गुरु महाराज जी का आविर्भाव तिथि हम मनाएंगे, तो पहले बार राजमंडली पे ये सब आयोजन किया गया, राय रामन जहाँ पे प्रभुपाद का पार्थिव है कबूर पे ये सब आयोजन किया गया। लेकिन महाराज जी को पता चला कि ये लोग मुझे क्या करेंगे, अभी मुझे प्रतिष्ठा कर देंगे, अभी मुझे बड़े बड़े सुंदर आसन से बिठाएंगे, अभी मेरे गले पे फूल माला देंगे, मेरे चरण को सब प्रसारण करेंगे, भाई मैं ये सब नहीं ले सकता, क्योंकि आज तक मैंने प्रभुपाद का जो व्यास पूजा आज तक नहीं किया था, मैं अपने व्यास पूजा को कैसे स्वीकार करूं। तो इस प्रकार का जब महाराज जी भाव देखते थे वो महाराज भाग्यराज बन रहे थे। फिर दूसरे बार जब नेक्स्ट साल पे फिर कहीं पे एक आयोजन किया गया वहीं से महाराज जी भाग जाते, ऐसे करके 8-10 साल तक महाराज जी अपने व्यास पूजा से भागते रहे। तब किसी समय हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी पूज्य पाद भक्ति प्रधान बामन गोस्वामी महाराज जी हमारे देवानंद बोड़े मठ पे थे, क्योंकि ये भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज हमारे देवानंद बोड़े में बहुत समय तक रहा करते थे। तो किसी समय थे, तो जिस समय थे तो उन्होंने बोला कि महाराज हमारे भक्ति बामन गोस्वामी महाराज जी को बोलते हैं कि देखो देखो कि जो भक्तिपुरी गोस्वामी महाराज में इतना दीनता है कि उनको कोई प्रतिष्ठा देने के लिए चाहे पीछे दौड़ता है लेकिन वो लेते नहीं, वो भाग जाते, यही महापुरुष का लक्षण है।
प्रतिष्ठा छारी अचर, मतलब प्रतिष्ठा को जो छोड़ दिया नहीं, जिसको प्रतिष्ठा ना छोड़ दिया है इसको और इसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार का जो विचार प्रभुपाद ने दे रखे पूरा का पूरा मूर्तिमान स्वरूप, तो हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज ने बोले कि यहाँ पे उनका व्यास पूजा का कुछ आयोजन करेंगे, कुछ मतलब कम भक्त के लेकर आयोजन करेंगे। तो बात उठा कि महाराज जी तो आएंगे नहीं, अभी राजमंडी पे है, विशेष समय साउथ में रहा करते थे तो राजमंडी पे रहे। तो इन्होंने एक लेटर लिखा पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी को, एक भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज ने एक लेटर लिखा और उसके साथ एक टिकट भी अटैचमेंट करके भेज दिया। लेटर सुने और नहीं आए तो एक टिकट भी अटैचमेंट करके राजमंडी भेजे कि महाराज जी ऐसे ऐसे सेवा है, ऐसे ऐसे एक वैष्णव सवार हो रहा है, आपको आना पड़ेगा। तो महाराज जी को याद नहीं है कितने साल से भाग रहे हैं, तो कोई भूल सब लोग भूल चुके थे उनके आविर्भाव तिथि। तो जिस दिन उनका आविर्भाव तिथि था वो उस दिन राजमंडी से लेके उसी जैसे पहुंचेंगे नवद्वीप में, तो उसी प्रकार का टिकट व्यवस्था कर दिया। उस दिन महाराज जी राजमंडी से लेके आ गए हमारे नवद्वीप धाम में। तो नवद्वीप धाम में कुछ ब्रह्मचारी लोग उनको स्वागत किए नवद्वीप स्टेशन पे। मुझे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज ये आर्टिकल तो खुद लिखे हैं, वो खुद गए और उनको ले आए और देवानंद घोड़े मठ में रखे। फिर देवानंद घोड़े मठ में फिर उनको जैसे आए तो उनको एक ऊपर का रूम में ले गए और उनको आरती करने लगे। तो बोलते हैं आरती क्यों कर रहे हो? तो हमारे भक्ति जनार्दन गोस्वामी महाराज बोले आपने बसून हमारे मठ का नियम था कि हमारे ये मठ का नियम है कि वैष्णव आते हैं तो हम आरती करेंगे, आप बैठ जाओ। मैं तो वैष्णव आप बैठो चुपचाप आप बैठो आरती कर। तो ये जब आरती कर लिया आरती किया तो समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने फ्रेश हुए फिर नीचे देख के आ रहे सारे के सारे भक्त एकत्रित हुए हैं और उत्सव का व्यवस्था हुआ है। तो दाल में काला है ये जैसे जैसे करके नीचे आए हमारे भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज जी वे सब लोग उनको चरण साष्टांग प्रणाम करके, क्योंकि सबको पता है आज उनका आविर्भाव तिथि है, सबको पता है ये भूल चुके हैं। तो सब लोग प्रणाम करने लगे। फिर उसके बाद जब देवानंद घोड़े मठ में फिर वहां पे जब आए तो वहां पे हरि कथा किया। तो हरि कथा जब किया सब वहां पे हरि कथा करने के बाद अंतिम में हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आज जिनका उद्देश्य से हम यहाँ पे कथा कर रहे हैं एक वैष्णव का आविर्भाव तिथि है, सबको तो पहले से ही पता है, सब लोग पहले ताली बजाने लगे और देखने लगे महाराज जी को। और फिर बाद में महाराज जी बोल दिया कि आज जिनका आविर्भाव तिथि है हमारे सामने ही ये उपस्थित है। तो महाराज जी इतना रोए वहां पे खड़े होकर बोलते हैं मैंने आज तक मेरे प्रभुपाद के वाणी का एक भी पालन नहीं किया, मैंने आज तक मेरे प्रभुपाद के वाणी का एक भी पालन नहीं किया मैंने, इसीलिए ये व्यास पूजा मेरे लिए नहीं, ये व्यास पूजा मेरे प्रभुपाद के लिए। तो वहां पे जितना भी प्रणामी मिला वो अपने जोग पट को लिए और वो जोग पट में सब प्रणामी को रख के तुरंत ब्रह्मपुर आ गए। और ब्रह्मपुर में उस समय तो इतना सुविधा नहीं था, पैसा का बहुत प्रॉब्लम था। तो वहां पे नित्यानंद ट्रस्ट बुक उनका जो बुक है नित्यानंद ट्रस्ट बुक में सबसे पहले गौर चरित पात्रावली ओडिया ग्रंथ, गौर चरित पात्रावली महाप्रभु की जो पात्रावली है उसमें ओडिया ग्रंथ में उन्होंने फर्स्ट टाइपिंग कर रखा था लेकिन पैसा इतना नहीं हो पा रहा था कि उसको प्रिंट नहीं हो पा रहा था। तो वहां पे प्रभुपाद के और एक शिष्य है भक्ति विज्ञान नित्यानंद गोस्वामी, भक्ति विज्ञान नित्यानंद गोस्वामी महाराज जी तो और भक्ति चंदन आनंद लीला विग्रह गोस्वामी महाराज, ये प्रभुपाद के दो शिष्य वहीं पे रहा करते थे ब्रह्मपुर। तो उनके पास लेके दे दिया, बोलो देखो आज हम प्रभुपाद की व्यास पूजा करेंगे। वास्तव में तुरंत वहीं से मतलब रेस्ट नहीं लिया, तुरंत वहां उतरे और वो पैसा को पूरा हिसाब किया और उधर से लेके पहले प्रेस में गए, प्रेस से वो ग्रंथ निकला। बोले वो प्रेस वाला बोले महाराज जी आप चले जाओ यहाँ से, बोले नहीं मैं ये लेके ही जाऊंगा। वो प्रेस का ग्रंथ निकला और वो लेके आके प्रभुपाद की जो पुष्प समाधि उसमें पहले दिया। और सबसे बड़ी बात गौंज में भक्ति गौर वैकुंठ गोस्वामी महाराज जी के समाधि में भी एक वो ग्रंथ को लेके दिया। तो वास्तव में वहां उस दिन बोलते कि मैंने आज वास्तव में प्रभुपाद का व्यास पूजा किया है, प्रभुपाद का जो मनोविष्ट है कि किस प्रकार प्रभुपाद ने इनको बोला था कि तुम ओडिशा में प्रचार करना और इनको हर तरीके की लैंग्वेज आता था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जब उड़िया बोलते थे ना कोई बोल नहीं सकता था प्योर उड़िया है, ये जब इंग्लिश बोलते थे अरे इतने सुंदर इंग्लिश, ये जब तेलुगु भाषा में बोलते थे कोई सोच नहीं सकता ये उड़िया है या कोई अलग लैंग्वेज इनको पता है, ये तो तेलुगु पक्का तेलुगु ही होंगे, ये जो कहना था पूरा हर भाषा उनको बड़े विद्वान थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला था कि तुमको विशेष रूप में प्रभुपाद की ये एक शिष्य जिनको तेलुगु आता था
बड़े स्पष्ट रूप से, तो इनको भोपाल में साउथ में प्रचार करने के लिए भेजा था। बड़े सुंदर तेलुगु कहा करते थे, साउथ में जब प्रचार करने के लिए भेजा था और उड़ीसा में प्रचार करने के लिए भेजा था, तब इन्होंने जो प्रभुपाद के वास्तविक जो वाणी है कि किस प्रकार महाप्रभु के विचार को प्रचार हो, और महाप्रभु की जो वाणी है किस प्रकार, इनके जो प्रणाम मंत्र गौर वाणी प्रचार आय दृढ़ संकल्प मुझसे, कि गौर वाणी प्रचार का दृढ़ संकल्प लिया अपने जीवन में और उसी प्रकार किया भी। आज उड़ीसा में इनका इनके ही नाम है, आज उड़ीसा में हर एक जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक एक गांव गांव में भक्ति गुरु गोस्वामी महाराज जी का प्रचार है। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में पूरा संघर्ष किया, एक समय की बात है, समय तो हो गया लेकिन थोड़ा बोल देता हूँ, एक समय की बात है, अगर सामंजस्य करें इनके और इनके भजन चरित्र और नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के भजन चरित्र में, तो नरहरि सेवा विग्रह ठाकुर किस प्रकार हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि चोटी को टीका को ऊपर लटका देते थे, और उसी समय हमारे भक्ति गोस्वामी महाराज भक्तिवान बामन गोस्वामी महाराज बड़े छोटे थे, तो जाके देखे बोले ये क्या कर रहे हैं, पूरा सीखा को ऊपर लटका के भजन कर रहे हैं, तो जाके रात में पूछने लगे, छोटे छोटे थे 11 12 साल के थे, तो पूछने लगे बोले कि दादा दादा की कर छो, क्या कर रहे हो ये कौन सा साधन है, तो राइट भागो इधर पीछे, जब वो घोड़िया मठ का माँ है बहुत सबको प्रेम किया करते थे। फिर दूसरे दिन उनको बुलाया, देखो दिन भर मैं सेवा करता हूँ, रात को नींद आ जाता है, मैं भजन दिन भर नहीं कर पाता, हरिनाम नहीं कर पाता, दिन भर मैं रोटी सेवा में व्यस्त रहता हूँ तो मैं भजन नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं रात में चाहे नींद ना आ जाए इसलिए टीका को ऊपर कर देता। अब इनके जीवन चरित्र को थोड़ा देखेंगे, हमारे भक्ति पूरी रूप से महाराज जी का, ये एक समय राजमंडी पे थे, हर दिन रात को किसी ना किसी से बात करते थे, रात भर बस ये इनका नियम था, 8-9 बजे सो जाते थे, फिर 1-2 बजे उठ के पता नहीं किससे बात करते थे, हरिनाम करते थे, रोते रहते थे। तो उस समय पूज्यपाद भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी महाराज जी जो अप्रकट हो चुके हैं, तो पूज्यपाद भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी महाराज जी मंगल आरती किया करते थे, तो ये हर समय द्वार को अंदर से लग कुंडी देके रहते थे, तो जाकर हर दिन सुनते थे महाराज जी किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो एक दिन इन्होंने उठा जगे और जग के जाके मतलब द्वार खटखटा गया, नाक किया 2 बजे और बोले महाराज जी चाबी तो मंगल आरती करो, बोले चाबी तो मंगल आरती करूंगा, तो महाराज जी बोले अरे समय की तो समय कितना हुआ है, देख लो समय कितना हुआ है, तो वहां पे बोलते हैं कि 2 बज रहे हैं, बोले 2 बजे मंगल आरती करोगे, बोले गुरुदेव मंगल आरती तो बहाना है, मैं आया था देखने के लिए आप क्या कर रहे हो रात में, हर दिन किसी ना किसी से आप बात करते हो, हरिनाम करते हो, क्या करते हो, तो बहुत बार पूछने के बाद महाराज जी रोने लगे और महाराज जी रो रो के बोले, उनके पास एक कटोरा था राधा वृंदावन चंद्र जी का, देखो हर दिन वृंदावन चंद्र मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं, मैं हर दिन मेरे वही गोपाल वृंदावन चंद्र से ही बात करता हूँ, हर दिन मेरे उनके साक्षात्कार होता है, किस प्रकार का उनका भाव है। और एक बात तो हम श्रवण करेंगे कि एक बार मालदा में कथा बहुत विस्तृत है उनका, मालदा में इनको बोला गया कि भक्ति विलास चित्र गोस्वामी महाराज ने और हम उनके गुरु भाई ने हर समय इनको बोला कि वहां पे मालदा पे जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में जो राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ है जो मंदिर है उनमें प्रभुपाद के पादपीठ को स्थापन करने के लिए, और सोचने लगे मैं प्रभुपाद के पादपीठ को कैसे स्थापन करूं। फिर जब वो वहां पे भक्ति विजय पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज भक्ति रक्षक गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हुए थे, तो भक्ति विजय पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज वहीं पे थे, तो इन्होंने बोले भक्ति विजय पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज को फिर मैं हम वहां पे नहीं जाएंगे, हमारा क्या होगा थे हम जाके प्रभुपाद के पादपीठ को स्थापन करेंगे ना। तो उसी दिन रात को ही उनको सपना आया और 2 बड़े सुंदर महापुरुष उनके हाथ को पकड़ा लेके उनको खींचे हुए ले जा रहे हैं एक तमाल के वृक्ष के नीचे उनको ले गए और बोले कि यही प्रभुपाद के पास भी स्थापन करते, झट करके जो उठते हैं तो बोलते हैं ये सब घटना तो मुझे बात भक्ति जी कौन पुरुषोत्तम तीर्थ गोस्वामी महाराज जी उन्होंने बोला कि देखो ये वास्तव में आपसे ही प्रभुपाद करवाना चाहते हैं इसीलिए आपको सपना देते, तो किस प्रकार का ठाकुर जी उनके स्वप्न में आते, किस प्रकार का एक बार वृंदावन में राधा मतलब वृंदावन चंद्र के मंदिर में कटोरा चोरी हो गया था, तो किस प्रकार का जो बूढ़ी औरत सफाई करती थी हर दिन, तो एक दिन उठता हो ध्यान में चांदी का कटोरा, हमने सेवा किया है उनके मठ में बहुत सारे उनके जो चांदी का बर्तन से अर्चन करते, तो चांदी का कटोरा था तो चांदी का कटोरा उसको सेवा करने के लिए ले गए और सेवा जब कर रहा था तो
इसको भी मन में लोभ आ गया, इसको मैं ले जाता हूँ। तभी महाराज जी आनिक कर रहे थे तो उसी समय ही उनको गोपाल जी साक्षात आके बोले कि अरे कटोरा ले जा रहे जाओ जल्दी भागो जल्दी, मेरा कटोरा ले जाएगा और मैं खाऊंगा कैसे। तो फिर महाराज जी पूरा इधर आओ क्या है तुम्हारे बीच में, देखो डर गए, बोले तुम्हारे अंदर कटोरा है, कटोरा निकालो। महाराज जी बोले तुम्हारे अंदर कटोरा है, कटोरा निकालो। फिर जाके देखे कि कटोरा है तो सोचने लगे कि मुझे बोले कौन, मैं तो आनिक करा था, जब बाद में जगह पे जाते हैं वहां पे कोई नहीं है। फिर बाद में पूछते हैं, सबको पूछते हैं यहाँ पे किसने बोला था, कोई आया था बच्चा, बोले यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो इस प्रकार का किस प्रकार ठाकुर जी से प्रत्येक शोक में उनका साक्षात्कार हुआ था। और देखो इनके अगर एक बात अगर और श्रवण करेंगे कि किस प्रकार हमारे नरहरी सेवा विग्रह ठाकुर एक समय प्रभुपाद के समय में भी बहुत कम रोते किया था, प्रसंग बहुत विस्तृत है, सिंपली में अगर श्रवण करेंगे कि कम रोते किया था और बहुत सारा दे दिया था, उसी प्रकार का सामान्य से इनके जीवन चरित्र में भी आता है कि एक समय राजमंदिर पे ये थे, पूज्यपाद भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी महाराज जी की सेवा में थे, तो मठ में 10 लोग के लिए प्रसाद बना है और सब 10 लोग ही पाएंगे और सबने भोगार्थी भी हो चुका है। अब हटात उस समय तो ऐसा फोन वाला सिस्टम नहीं था, धर्मपुर से 40 भक्त आ गए, तो महाराज जी बोल सकते थे कि प्रसाद बनाओ, लेकिन महाराज जी बोला नहीं, देखा कि अभी भोगार्थी हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है। तब तुरंत महाराज जी एक अद्भुत आश्चर्य घटना है, हमने उनके आचार्य से उनके मठ के जो वैष्णव के श्रवण किया है, हर बार ये श्रवण किया है कि महाराज जी ऐसे परिवर्तन करते हैं, महाराज जी बोलते कोई सुना नहीं मैं परिवर्तन करूंगा, और महाराज जी खुद परिवर्तन किए और 40 लोगों की पूरा का पूरा 40 लोग खाए, फिर 10 लोग के पूरा खाए, फिर वो प्रसाद रह गए। तो ये अद्भुत बात है, इसी प्रकार के जीवन चरित्र हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में देखा जाता है, जब वो कालना में थे हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज गए थे। तो किस प्रकार ये महाभागवत है, अपराकृत महाभागवत है, इनका अगर अप्रकट चरित्र अगर थोड़ा सा श्रवण करेंगे तो इसमें बता रहे हैं कि ये अशुष्ट समय में पूरी पे थे, तो इन्होंने बोला कि देखो इनके शिष्य लोगों ने बोला कि महाराज जी आपके शरीर बहुत अशुष्ट है, आपको हम वाइजेक जो विशाखापट्टनम में वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है तो वहां पे आपको ले जाएंगे, वहां पे आपको ट्रीटमेंट करा के ले जाएंगे। तब इन्होंने बोला कि देखो मुझे जाने का कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो तो जा रहा। तो उसी दिन ही ब्रह्मपुर से कुछ भक्त लोग उड़ीसा से हैं, कुछ भक्त लोग इनके पास आए, तो ये आ रहे थे, ये जब जा रहे थे मठ से जब निकल के जा रहे थे तो भक्त लोग आए प्रणाम किए, बोले महाराज गुरुदेव जा रहे कहीं पे, हम तो अभी आ गए बाद में आ जाते। तो मुझे बाद महाराज ने ऐसे हाथ को दिखाया और बोला तुम रुक जाओ, 4 दिन के बाद आऊंगा, 4 दिन ऐसे हाथ दिखाया बोला 4 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, 4 दिन के बाद मैं फिर से आ जाऊंगा पूरी, तुमको डरने का कोई जरूरत नहीं, तुम मठ में रहो। और बोल दे वहां पे जो जो ब्रह्मचारी थे उनके साथ, तो उनको बोल दे कुछ बात श्रवण महाराज सुरती महाराज साहिब थे, उनको बोल दे कि इनको लेके एक अच्छे रूम दे दो, इनका व्यवस्था करो, 4 दिन तक इनको रखना है यहाँ पे, 4 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा फिर। तो वैसे पहुंच गए उसी दिन विशाखापट्टनम पूरी से लगभग ब्रह्मपुर 6-7 घंटा लगता है, तो वहां विशाखापट्टनम पहुंच गए और वहां पे ट्रीटमेंट भी किया। और अंतिम समय में वहां पे जो बोलते हैं कि उन्होंने एक कीर्तन को बोला, जिस दिन सुबह थे तो वे हर समय एक कीर्तन को बोलते थे, आज हम कीर्तन को पाठ कर रहे थे क्या, कि आत्मनिवेदन द्वयापदे कवि, उसमें एक पद आता है अशोक अमृत आधार, उसमें और एक पद आता है अमित तोमार तुम ही तो अमर, ये जब पद आता है ना वो गा नहीं पाते, रो पड़ते हैं, इसी प्रकार का उनका भाव है। तो वो कीर्तन को बोलने के लिए बोला। फिर शाम के समय पे जब आरती हो रहा था विशाखापट्टनम मठ में, तब तो ठाकुर जी नीचे थे, अब तो ठाकुर जी बीच में है, तब जब आरती हो रहा था तो उसी समय पूज्यपाद भक्ति सुधा केशव गोस्वामी महाराज अभी के जो आचार्य है उन्होंने आरती लेके गए और इनको 4 बजे ही बोल दिए थे कि मैं आज वृंदावन चला जाऊंगा, मैं आज वृंदावन चला जाऊंगा। तो नवदीप धाम के परिक्रमा के संकल्प तिथि के एक दिन पहले ही इन्होंने अप्रकट लीला किया। तो हमारे श्रवण महाराज बोलते हैं उनके मठ के महाराज जी हमारे तो मायापुर टिकट है, हम वृंदावन का भी क्यों जाएंगे, भले तुमको मायापुर जाना है जाओ, मैं तो आज वृंदावन चला गया, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं आज वृंदावन चला जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बोल देते हैं। और जिस समय अप्रकट हुए ना बहुत देर तक बताते हैं कि प्रभुपाद के पटचित्र को बोल के प्रभुपाद के पटचित्र लाओ, प्रभुपाद के पटचित्र जो प्रभुपाद के जो फोटो को देखते हुए पूरा रह गए,
और अंतिम में थोड़े देर के लिए फिर से जो वहां पे एक रास का पट चित्र था, तो रास का पट चित्र को देखते 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 जिस समय ठाकुर जी का आरती आता है और आरती लेते ही महाराज प्रकट होते हैं, जिस प्रकार हमारे भक्ति कमल गोविंद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज राधा रानी के प्रसाद हमारा देते ही प्रकट हो गए, इसी प्रकार के इन्होंने भी राधा रानी के आरती को ग्रहण करते ही अपना नित्य धाम में गए। तो इन्होंने बोला था कि चार दिन में आ जाऊंगा, चार दिन में उनके जो वाइजिक में जाके चार दिन हुआ, वहीं पे वाइजिक पे अप्रकट हो गया, फिर से उनको शरीर को पूरी ले आया वहां से समाधि दिया। उन्होंने बोले थे ना हम चार दिन में आ जाऊंगा, पर हमको सारे भक्तों को बोलते थे कि तुम लोग रुकना, तो उसी प्रकार उन्होंने जिस प्रकार बोला था उसी प्रकार ही किया। तो ये आज उनका आज सुबह आविर्भाव, और एक बात हमारे परम गुरुदेव के साथ जो उनका बड़े संबंध है, जिस बार ये लोग इन्होंने हमारे परम गुरुदेव के मठ में आए, चित्र विचित्र पूरे मठ पुरी में है सारस्वती आश्रम, वहां पे जब आए तो बड़े आकृष्ट हो गए, परम गुरुदेव यहाँ पे ऐसे मूर्ति, वहां पे ऐसे मूर्ति, बहुत सारा जो विग्रह के जो परम गुरुदेव कर रखे हैं उनको दिशा ऐसे ऐसे करके बड़े आकृष्ट हो गए। और भक्ति विजय पुरुषोत्तम चित्र गोस्वामी महाराज को बोले कि हमारे अगले बार जब मठ होगा ना इनके दिशा होगा, हमारे अगले बार अगर मठ होगा तो इनके जैसा होगा। तो जो वाइजिक का अभी का मठ है जहाँ पे हमारे गुरुदेव भी विग्रह प्रतिष्ठा में गए थे विशाखापट्टनम में, भक्तिवेन भारती गोस्वामी महाराज, भक्तिप्रवण सूरी गोस्वामी, बहुत सारे भक्त वहां पे प्रभुपादित गण और उनके परिकर वृंद सब गए थे। तो उस जगह पे अभी भी वो मंदिर है, तो पूरा का पूरा मंदिर में वो हमारे जैसे परम गुरुदेव को मानो कि मैं तो पहले बार गया हूँ, बोला ये तो हमारे परम गुरुदेव के मंदिर की तरह ही हुआ है। मुझे बात भक्ति सोच रहे थे महाराज के मंदिर में हम जब गए देखेंगे पूरा का पूरा तो हमारे परम गुरुदेव मंदिर ही है पूरा। तब हम लोग पूजे पास भक्ति सोच रहे थे महाराज बोले कि ये गुरु महाराज का वैशिष्ट था कि तुम्हारे जो परम गुरुदेव है उनको देख के इन्होंने यहाँ पे इस प्रकार का, तो किस प्रकार का गुरु है उनसे उनका पढ़े, उनका और भी वीडियो आता है जो प्रभुपाद स्वामी महाराज के बारे में बोल के रोते हैं, इस प्रकार का गुरु भाइयों का नाम की इतना प्रीति, गुरु भाई को नाम लेके रो पड़ते थे और हर गुरु भाई के तिथि को ये पालन किया करते थे। तो आज देखो तो आज इनका सुबह आविर्भाव तिथि है, यदि अभी हमने जब इनके मठ में आए अभी अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, गुरुदेव का तो विशेष कृपा ही है, तो हमने पहले उनके जब उनके मठ में गए तो उनको हमारे पूज्यपाद जयराम प्रभु और उनके मठ के जो पूज्यपाद भक्ति आलोक पर्वत महाराज ने विग्रह का सेवा दिया, तो हमने वहां पे महाराज जी के वास्तव में विग्रह सेवा किया, उनकी कथा कीर्तन को श्रवण किया। तो मैं पहले भाई एक बात तो आज कथा में स्वीकार करता हूँ कि मैं पहले बहुत सोचता था, इतना सोचता था कि सब लोग सोच रहे कि ये झिंगा ही मर गया है, देखते रहते थे, इतना सोचता था। खुद ऐसा भी स्थिति हुआ है कि बंदे वजन को बुला बुला के फिर जाते हुए मंगल आरती को भी उठा ही नहीं मैंने। फिर मैंने जब वहां पे गया तो एक चीज तो उनसे सीखा कि मैंने वहां पे जब देर तक सोता था तो महाराज जी साधन किया करते थे, और कुछ बार जयराम प्रभु ने बोला कि एक बार पूरे बार जयराम प्रभु ने बोला कि हमारे गुरु महाराज जी को किसी ने, मतलब भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज जी को किसी ने बोला कि आपके जीवन का साधन क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरे जीवन का साधन मैंने मंगल आरती कभी मिस नहीं किया, मंगल आरती ही मेरे जीवन का साधन है। मैंने बोला मैंने मंगल आरती कभी भी मिस नहीं किया। ट्रेन पे जब जा रहे थे ना, इस ट्रेन पे भी जब जाते हैं तो उसी स्टेशन पे उतर जाते, विचार कर लेते कि हम यहाँ से ट्रेन दूसरा ट्रेन चेंज करके यहाँ पे मंगल आरती गाएंगे, मंगल आरती इसी जगह पे करेंगे और चलेंगे, इसी प्रकार का मंगल आरती कभी भी मिस नहीं किया उन्होंने ऐसे बोलते थे। तो वो तो बोला करते कि हमारे गुरुदेव का विचार है और तुम यहाँ आके सो रहे हो, तुमको सोना नहीं है, तुमको पूरा जोर जबरदस्ती उठा देते। तब से हमने कोशिश किया कि महाराज जी की इस जीवन मतलब इस आदत को थोड़ा अपनाने के लिए, यदि अभी हम अभी उठने में मतलब रुचि नहीं है फिर भी वो जोर जबरदस्ती वो वैष्णव जी की जो कृपा है, गुरुदेव की जो कृपा है, जोर जबरदस्ती उठ जाते हैं। तब से हमने भी कोशिश किया कि मंगल आरती आने की। तो इस प्रकार किसी को ऊपर कृपा करे ना करे, मुझे तो विशेष रूप में सबके ऊपर ही कृपा करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर ये बहुत विशेष रूप में कृपा की मुझे बात जितने भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज और इनके जितने भी परिकर वृंद है, मुझे बात भक्ति केशव गोस्वामी महाराज जी और मुझे बात भक्ति विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज, मुझे बात भक्ति अलोक पर्वत महाराज और उनके जयराम लोग जितने भी है, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर वहाँ बीच बीच में जहाँ पे था तीन चार साल वहां पे रुका तो बीच बीच में आया करते थे और अपने गुरु महाराज के बाद विस्तृत वर्णन है, बहुत सारे ऐसा बात है जो बोलना चाहता हूँ लेकिन भी समय का अभाव है, तो ऐसा बोला करते थे और इस प्रकार का बात बोला करते थे। और दूसरे दिन हमारे जैसे आज गुरुदेव
जैसे हम गुरुदेव बोलते हैं ना कि कल का बात सुनाओ, तो वो भी बोला करते थे कि कल का क्या बोलना बताओ, कभी पूछ देते, जब मैं बोल देता था ना बहुत खुश हो जाते थे। तो वास्तव में एक बार उन्होंने मुझे प्रसाद माला भी दिया और प्रसाद भी थोड़ा दिया, नहीं तो मैं इतना विषय था। तो वास्तव में वैष्णव की भी विशेष रूप में मेरे ऊपर कृपा हुआ, गुरुदेव का तो कृपा है ही है। आज उनका सुभाव तिथि है, यह नित्य धाम में रह के हम पर कृपा करें और इनके जो साधन हम सबके सब चेष्टा करें मंगल आरती में आए और उनके सारे के सारे शिक्षा को किस प्रकार उन्होंने महाप्रभु की वाणी को प्रचार किया हम भी उसी प्रकार में कोशिश करें। इतना वसुदेव गुरु गोस्वामी महाराज की जय। तिरुभाव तिथि की जय। देखो मैं जब मथुरा मठ में रहता था वहाँ पर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज रहते थे, वो जब आते थे पहले उनका मठ, अभी आप लोग वृंदावन गए आप लोग देखना, ठीक सेवा में जो सामने जो मंदिर है ना उनका मंदिर है, राधा रानी एकदम सामने उनको स्थान दे दिया, क्योंकि राधा रानी की ये निजी जन्म परिकर है, पूरा सामने उनको स्थान दिया। इसलिए जब आते थे रहते थे मथुरा मठ में और हमारे प्रेमानंद प्रभु रहते थे, बड़ी सेवा करते थे उनकी, हम भी उनसे हरि कथा सुनते थे, उनके हरि कथा सुनते थे। वृंदावन में जो रूप सनातन गौरी, वृंदावन में जो रूप सनातन गौरी उसमें भी जाते थे, हम भी उनकी सेवा करते थे हैं। लेकिन उनके अंदर में अभी बता रहे थे ना, जो एक वैष्णव का विशेष लक्षण क्या है, कनक कामिनी प्रतिष्ठा वागिनी छाड़ी आशारे सहित वैष्णव, वैष्णव हुए ही जो तीन चीज से मुक्त हो गए, एक तो प्रतिष्ठा है स्त्री है और जो पैसा, सचमुच से ये तीनों चीज से संपूर्ण दूर थे। हम देखते थे वो जब आते थे ना अकेले आते थे, उनको साथ में कोई सेवक नहीं हुआ करता था, कोई सेवक अपना सेवा सारे वो खुद अपना सेवा सारे अपना सेवा करते थे, किसी सेवक को साथ में नहीं लाते थे। पर जब जाते थे प्रेमानंद तो उनकी बड़ी सेवा करते थे, सबको बोलते थे जाओ प्रेमानंद प्रभु से सेवा सीख करके आओ, क्योंकि प्रेमानंद प्रभु पास में बैठा करके आम के रस पिलाया करते थे उनको बना बना करके, और खूब पास में बैठ करके सेवा करते थे। इसलिए जब रूप सनातन मठ में एक दिन देखा वो झाड़ू लगा रहे महाराज हैं, अकेले आते थे, मेरे महाराज यहाँ पर झाड़ू, बड़े आचार्य थे ना मंदिर के आचार्य थे, लेकिन वो झाड़ू लगा रहे थे। बोले महाराज झाड़ू यहाँ क्यों लगा रहे, देखो उनकी भावना कितनी ऊंची भावना है, कहते ये जानते हो वो कौन सा स्थान, कहते सेवा पूजे गुरु सनातन मठ सेवा पूजे के अंतर्गत है, वो कहते जानते हो ये स्थान कौन सा स्थान, जहाँ पर श्री प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं जत की करिषु बहु सौ फल का वाणी नित्यम परस पुरुष शिखनम, यहीं पर ही राधा रानी जो मान करती थी, राधा रानी बोलती थी आज मैं कोई काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता, मतलब कृष्ण को देखना नहीं चाहता हूँ, वो बड़े धूर्त है इसलिए हमारे साथ धोखे देते हैं, इसलिए गेट को सामने मंजरी सखियों को खड़ी कर देते हैं, और कृष्ण आकर के उनको चरण में प्रार्थना करते थे थोड़ी सी, श्री राधा रानी किशोरी जी से हमें मिला दो, और जिस कुंजे में राधा रानी मान करते हैं प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि तुंग विद्या सखी क्या कहती है, जब सखियां झाड़ू लगा कर साफ करते हैं कुंजों को, जो झाड़ू लगाते हैं झाड़ू का क्या मैं एक सलाह होगा, इसलिए कहते थे ये वो स्थान है जहाँ पर श्री प्रभानंद सरस्वती एक सलाह का होकर के जो राधा रानी की कुंज में झाड़ू लगाना चाहिए, ये स्थान है, ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं। मैं तो एकदम नए नहीं था, मैं देखो महाराज की भावना कितने ऊंची भावना महाराज की है, इसलिए महाराज ना अपना जो सेवक होते थे एकदम थोड़ी सी अगर इधर उधर बताते ना, उनका ब्रह्मचारी का नाम नृसिंहानंद ब्रह्मचारी था, सचमुच से नृसिंह देव से मूर्ति है भगवान, अगर थोड़ी सी ब्रह्मचारी इधर उधर कोई गलती कर दिया वो छोड़ करके बात है, ऐसे कच्ची कच्ची गाली देते ना ब्रह्मचारियों को, एक पूरा गाली देते थे, इसलिए उनको जो सेवक लोग ना सहज में उनको पास में फटकने का हिम्मत नहीं होता था, एकदम फटक जानते हैं गुरुजी गाली देंगे, गुरुजी गाली देंगे। इसलिए एक दिन वो खुद बोल रहे थे, एक दिन कथा वो कथा ये बोल रहे थे, एक समय स्वयं शंकर जी उनके पास में आए, शंकर जी स्वयं आए, एक भिखारी उद्धार करते हुए आए शंकर जी, और बोले हम बड़े भूखे हैं हमें थोड़ा प्रसाद, तो उन्होंने प्रसाद खिलाया, अन्न दाल सब्जी खिलाया, प्रसाद खाने के बाद बोले थोड़ी सी मेरे मन में इच्छा थोड़ा पान की बिड़िया हो जाए,
लेकिन हमारे गौरी मठ में तो चाय पान पीढ़ी चलती नहीं। अरे इतने में उनका बड़ा क्रोध आया, बोले पान खाओगे शर्म नहीं लगता है, पान मांग रहे हो हैं, पान में कली का निवास है, खबरदार पान नहीं खानी चाहिए। ऐसे उन्होंने डांट लगाई ना, लेकिन वो व्यक्ति जब गए ना तब कहे कर जाते हैं, देखो एक काम करना, इतना क्रोध करना ठीक नहीं, वो तो एकदम राष्ट्रीय देश से भक्ति, तभी वो क्रोध आता था भक्ति कोई उल्टा पुलटा काम कर। बोले देखो ये श्रीमद् भागवत से रुद्र गीत है, ये रुद्र गीत क्रोध उठा, जब ये बोल कर गए तो बोले इनको कैसे पता भागवत में रुद्र गीत, विद्वान के वगैरह साधारण व्यक्ति तो जान नहीं सकता। अरे पता चला खुद कहते थे, मैंने सोचा ये स्वयं शंकर जी मेरे पास में आए थे, भोजन कराया व्यक्ति जो पान की बिड़िया मांगे, मेरे मन में बड़ी क्रोध आए। एक समय साउथ में गीता की जो गीता होता है ना, गीता की जयंती जयंती आई इनको उन्होंने सभापति पद में इनको ही नियुक्त किया सभापति पद में। लेकिन जब महाराज गए देखा वहाँ के बड़े बड़े मंत्री लोग आए थे, लेकिन सब के सब प्यांट साट कुर्ता पहन कर गए थे, प्यांट साट पहन कर गए थे। बोले तुम लोग गीता की जयंती मना रहे हो और ये सब क्या सब पहन कर आए, कुर्ता और प्यांट सब क्या प्यांट कुर्ता पहन कर आए हो, ये सब क्रिश्चियन का सभ्यता है, हमारी सभ्यता है धोती पहना, जाओ धोती पहन कर आओ, जब तक तुम धोती नहीं पहन कर आए तो ये सभा प्रारंभ नहीं होगा। और कह रहे थे ना पाँच छः भाषा जानते थे, अपना भाषा तो उड़िया थी, फिर वो बंगला जानते थे, हिंदी जानते थे, अंग्रेजी, तेलुगु, संस्कृत, फिर मैंने सर्वगुण संपन्न बड़े लिखे पढ़े बड़े एजुकेटेड लोग थे, बड़े सीखे लिखे पढ़े वो व्यक्ति थे, इसलिए बोले जब तक धोती नहीं पहन जाओ तब तक क्लास शुरू नहीं होगी, एकदम चुप हो जाओ, सब भेज दिया और सब गए धोती पहन करके आए। फिर उन्होंने वो क्लास को फिर उन्होंने आरम्भ किया। इसलिए हमारे उड़ीसा में उनकी प्रति सब ऋणी है, क्योंकि जितने ग्रंथ हुआ ना पहले बंगला भाषा था संस्कृत में, अगर सर्वप्रथम किसी ने उड़ीसा भाषा में ट्रांसलेशन करके प्रकाशित किया इन्होंने किया है, सबसे पहले इन्होंने किया। इतने ग्रंथ जो कि नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे, प्रभुपाद दास के, तो इतने छोटे छोटे ग्रंथ, पाँच पाँच रुपया, दो दो एक एक रुपया, मैं जब था एक एक रुपया पचास पचास पैसा उस समय, इतना आसानी से सबके पास में भगवान की वाणी पहुँचे, सब लोग ग्रंथों को पढ़ करके सभी का जीवन धन्य हो, इसलिए छोटे 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 ग्रंथ निकाल करके सर्वत्र प्रचार प्रसार करते थे। और भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज जिन्होंने उड़िया भाषा में जितने शिक्षा अष्टक उपदेश जितने ग्रंथ चैतन्य भागवत, इस एक महापुरुष हुए जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे उड़ीसा भाषा में उन्होंने उड़िया भाषा में उन्होंने सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया। फिर उसके बाद में फिर हमारे गुरुदेव भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज, हमारे वहाँ पर जो वत्सवदन प्रभु और फिर उत्तम प्रभु, इन लोगों ने अभी बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने उड़िया भाषा में भी हमारी सोसाइटी से उड़िया भाषा से बहुत ग्रंथों उन लोगों ने भी प्रकाशित किया है। इसलिए कि जो महापुरुष है जब ये रहते थे सेवा कुंज में, मैं एकदम सवेरे सवेरे चल जाता, सवेरे सवेरे उनको तेल लगाते थे, उनको जो सेवक लोग तेल लगाते थे, मैंने सुन रखा था अगर भगवान को कोई पाना चाहते हैं सबसे जो सरल उपाय वैष्णव को खुश कर दो, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, ठाकुर जी कहाँ रहते संतों के हृदय में, अगर कोई संत अगर हमारे पर खुश होंगे भगवान कितने खुश होंगे। मैं सुनता था इसलिए कहते थे, मैं जाता था जानता ये शुद्ध वैष्णव है, सवेरे सवेरे जब उनको तेल लगाते थे ना, मैं अपना मंगला आरती करके उसके बाद में तेल लगा एकदम सीधा चल जाता था उनको मंदिर में जा करके, फिर महाराज को तेल लगाते थे है। और कभी कभी सर्वा जाते थे उनके सेवकों को बोलते थे रसानंद आकर के रोज तेल लगाता है आकर बोलते, इसलिए उड़ीसा भाषा मैं भी उड़िया भाषा में था, हम दोनों भाषा एक ही, इसलिए जब हम जाते थे उनको बड़ा स्नेह था, एक ही भाषा में थे ना इसलिए बड़े स्नेह था। जब वो कोई अक्सर करके जो कथा बोलते थे महाप्रभु की कथा, केवल महाप्रभु की कथा ज्यादा बोलते थे, और जो बोलते बोलते ना हर समय रोते थे, बोल करे करें हृदय प्रेम में गदगद हो जाता था, रोया करते थे रोज रोज भागवत की एक एक भागवत का एक एक अध्याय रोज उसको पठन पाठन कर, रोज संस्कृत भाषा में रोज अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे स्तुति स्तब को एकदम 24 घंटा। और जो बोलते जो मंगलारती की बात कहते थे ना, बड़े मंगलारती के बारे में बड़े अच्छी बोलते थे, बोले मंगलारती में जो नहीं आएगा कभी उसका मंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी एक श्रीधर महाराज मेरे नाम पर श्रीधर महाराज, उनको कहते थे उनका जो जन्म हुआ है केवट का घर में, वो कहते थे हे तो कीचड़ से, लेकिन एक कमल फूल जैसे कीचड़ से निकला है ये ऐसे, वो बोलते थे उनके लिए, बोले क्यों
मैं देखता था आरती से पहले, सबसे पहले आरती में कोई आता है तो वही आता। अभी वो महाराज होकर सारा दुनिया में प्रचार प्रसार करते, इसलिए हम लोगों को आरती में हम लोग बुलानी नहीं चाहिए हैं, जल्दी जल्दी सो जानी चाहिए, सो करके टाइम से आ करके स्नान करके मंगल आरती में आनी चाहिए। इसलिए अब नारायण गोस्वामी महाराज अगर सबसे आगे पीछे खड़े होते थे, देखते थे कौन कौन आए और कौन कौन नहीं आए, वो पुलिस थे ना, आँख बड़ी तिखी आती थी, अगर नहीं आते थे ना जाकर पूरा सीठा पानी डालते थे, बोले घर छोड़ कर किसी लिए आए, खाने और सोने के लिए, गुरुदेव कैसे खाने और सोने के लिए आए, घर में खाना सोना नहीं मिलता था, मंदिर में आए भजने के लिए, साधन भजन के लिए। इसलिए महाराज क्या करते थे, कितने बजे उठते थे, 3:30 उठ करके 9 बजे से पहले 1 लाख नाम पूरी करते थे। जब तक 1 लाख नाम पूरी नहीं करते थे तब भोजन नहीं करते, ऐसे उनकी कठोर साधन भोजन। सारे कितने महापुरुष थे ना, इसलिए अभी ये सबकी चरित्र महापुरुष है, क्योंकि उन लोगों ने साधन भक्ति स्ट्रीक रूप में पालन किया है। इसलिए अगर हम साधन भक्ति नहीं करें भक्ति कैसे हो है? भक्ति कैसे होगी? इसलिए मंगलारती में आनी चाहिए, मंगलारती दर्शन करने से जरूर हमारी मंगल जरूर होगा, मंगल हमारी जरूर होगा। इसलिए मंगलारती वगैरह हमारे मंगल कर, इसलिए आज ये महापुरुष का जन्मतिथि, इनका मैंने बहुत सेवा किया है, इनकी मैं सेवा किया, कपड़ा धोया, तेल लगाया, महाराज जी को कथा सुने, जाता था जो वृंदावन मठ पर जाता था उनको सामने बैठी महाराज जी को एक एक भजन बताओ, ये भजन कौन सा भजन है, कौन सी इसमें अर्थ मिनी किया है, सब उनको सेवक लोग बैठे रहते थे वहाँ पर, महाराज जी डिस्कशन करते थे। इसलिए आज इनकी तिथि है, ये हम सब लोग आशीर्वाद करें हैं, हमारे सब लोग कृपा करें, इन लोगों ने जैसे साधन भजन किया है हम भी ऐसे साधन भजन कर सकें। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। Hare 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 Hare
बच्चों को लेकर जाना ठीक है, जो क्लास 9 10 11 एकदम छोटे बच्चों को मतलब कोई कोई को कथा सुनने नहीं देते हैं, इसलिए थोड़े जो बच्चे लिखे बैठे बच्चे उनको सब लेकर के आना। और 6 और 7 शनिवार और इतवार दो दिन सेमिनार होगी और सब बच्चों को सब लेकर के आना ठीक है, 11 से लेकर के 1 बजे तक 11 से 1 ठीक है। प्रसाद उसी दिन हाँ प्रसाद वो तो जब प्रसाद है ना प्रसाद है प्रसाद प्रसाद हो जाते हैं सभी के लिए कथा।